नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना सदर की पुलिस ने लूटपाट करने वाले 3 सदस्यों को किया काबू, 2 मोबाइल किए बरामद। कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने शहीदी स्मारक हुसैनीवाला में शहीदों को पुष्पांजलि की अर्पित। संगरूर के खनोरी इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में हुए लापता महिलाओं को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। विधायक वीरेंद्र कुमार गोयल पीड़ित परिवार से मिले। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह के दिशा निर्देशों के तहत लूटपाट करने वाले गिरोह के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत थाना सदर की पुलिस ने एक गिरोह के 3 सदस्यों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी वरिंदर खोसा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुरजंट सिंह निवासी गांव नंगली लोहरका रोड फतेह आलम और अर्शदीप सिंह के तौर पर हुई है, जिनके पास से 2 लूट के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 2 लड़की ने सानू शिकायत की थी, उसने दसिया कि 2 मोने अणपछाते नौजवान ने जो कि स्पलेंडर मोटरसाइकिल विदाउट नंबरी दे सन। जिस तो बाद असी तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों अणपछाते नौजवानों के खिलाफ थाना सदर विखे FIR नंबर 184 अधीन धारा 379(b)34 IPC तहत मुकदमा रजिस्टर किया। जदों असी इस मुकदमे की तफ्तीश वढ़ी तो सानू 48 घंटे के जो ये नौजवान सन जिन्हों वालों इस वारदात को अंजाम दिता गया सी, जिन विच पहला नौजवान गुरजंट सिंह पुत्र जगीर सिंह, दूसरा फतेह आलम पुत्र अली मुहम्मद, तो तीसरा एक नौजवान जो इन्हों पिछे 120(b) कॉन्सपरेसी के तहत इन्हों असिस्ट कर रहा है, जिसका नाम अर्शदीप सिंह पुत्र लाल सिंह। सो ये तिने जो नौजवान ने यह नंगली के रहने वाले ने, इन तिना नौजवानों जो 2 नौजवान मोटरसाइकिल आए थे, एक तीसरा पिछे जरा प्लैनिंग देगा। सो इन तिना नौजवानों असी अरैसट करके जो वारदात में वरत्या गया स्पलेंडर मोटरसाइकिल वो असी रिकवर किया वा। इस तो अलावा इन तो असी ये क्योंकि लुटा खुआ होर भी करते रहे हैं, सो इन को सानू होर भी 2 मोबाइल जो इन्होंने अलग अलग जगह पर खोह की सी वो भी इन को बरामद किए ने। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक और विरासत महत्व के स्थानों के व्यापक विकास के लिए एक योजना तैयार की गई है ताकि देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। उक्त बातों का प्रगटावा पंजाब की कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने किया। शहीदी स्मारक हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर ऐतिहासिक गुरुद्वारा सारागढ़ी में संग्रहालय की आधारशिला रखने के बाद पत्रकारों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार एंग्लो सिखवार सर्किट पंजाब के तहत फिरोज शाह स्थित एंग्लो सिखवार मेमोरियल और अन्य स्मारकों को अपग्रेड करने के लिए 15.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और ये काम शुरू हो गए हैं। इस अवसर पर फिरोजपुर शहरी के विधायक रणबीर सिंह भुल्लर, फिरोजपुर ग्रामीण के विधायक रजनीश दहिया, गुरु हरसहाय के विधायक फौजा सिंह सरारी, जीरा के विधायक नरेश कटारिया, डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान और निदेशक पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले मैडम अमृत सिंह भी उपस्थित रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। दसदे हुए बड़ा चंगा लग रहा कि एंग्लो सिख वार जिहड़ा साडा सर्कट आ फिरोजपुर तो लैके सारागढ़ी म्यूजियम हो गया, सपराह म्यूजिक हो गया, मुटकी म्यूजियम हो गया, सो बहुत सारे अलीवार हो गया, ये सारे जिहड़ा भी एंग्लो सिख वार सर्कट है, असी 15.5 करोड़ की लागत ना टूरिज्म विभाग इनू अपग्रेड कर रहे हैं। अजों का जिहड़ा काम शुरू हो गया, नींह पत्थर रखिया लुधियाने वाली जगह उत्ते, जिहड़ा काफ़ी काम निबड़ चुकिया, खत्म होने दे लग गया। सो जे ये असी इतिहास की गल करदे हाँ तो महाराज रणजीत सिंह तो बाद चले जाने तो बाद उन्होंने कितना कितने जी ईस्ट इंडिया कंपनी से
बहुत सारे हमले किए, बहुत सारा जुलम ढाया। तो बाकी देश नालों पंजाब आ जिहड़ा गुलामी दे विच बहुत घट समा रहा, सो तकरीबन 100 साल जिहड़ा असीं उहनां वेलियां दे विच जदों साडे ते हमले होए ने, ते साडे जिहड़े इत्थे सिंघ सीगे, सिख फौज सीगी, उन्होंने बड़ा डट के दलेरी नाल उन्हां दा सामना किया, ते बहुत जिहड़ियां शहीदियां पाईआं। सो ये उन्हां दी यादगारां नूं जिहड़ा असीं स्थापित कर रहे हां, उन्हां नूं अपग्रेड कर रहे हां, नवीनीकरण कर रहे हां, नवीं टेक्निक्स लैके आ रहे हैं, ताकि जिहड़ी साडी अज वाली पीढ़ियाँ उन्हां नूं ये जरूर पता रहे भी जिहड़ियां इह अज असी आनंद माण रहे हैं, अज जिहड़ा असी इन्ना माण मानदे हैं, इहदे पिछे किन्नियां कुरबानियां ने, किन्नियां शहीदियां ने, किन्ने लोगों ने जिहड़ा खून डोलिया अपना। सो वो सारा जिहड़ा यादगारां दे विच असी लोगों नूं प्रॉपर उहदी विजुअलाइजेशन नवी टेक्नोलॉजी दे नाल जिहड़ा आने वाली पीढ़ियां नूं, ताकि उह जुड़ियां रहन अपने पुराने इतिहास दे नाल। संगरूर के खनौर इलाके में गत दिवस हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार की नहर में लापता हुई 3 महिलाओं को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इस सर्च ऑपरेशन में NDRF की टीमों के 35 लोग नहर में लापता हुई 3 डेड बॉडी की तलाश में जुटे हुए हैं। कल दोपहर बाद बठिंडा से INDRF की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन रात में अंधेरा होने के चलते 9 बजे काम रोक दिया गया था। सुबह अर्ली मॉर्निंग से फिर से भाखड़ा नहर में सर्च ऑपरेशन जारी रहा। NDRF की टीम की ओर से अभी तक 5 किलोमीटर के एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी डेड बॉडी नहीं मिल पाई है। तो वहीं मौके का जायजा लेने पहुंचे लहरा से आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र कुमार गोयल पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने नहर में NDRF की टीम की ओर से चलाए जा रहे सर्च अभियान का जायजा भी लिया। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। कल शाम को तकरीबन 7:15 बजे हमारी टीम यहां पे पहुंची थी इंसिडेंट साइट पे, जहां से ये वारदात हुई थी। उसके बाद हमने कल शाम को ऑपरेशन शुरू कर दिया था। रात को तकरीबन 9:30 बजे तक हम लोग कंटिन्यू सर्च करते रहे। अभी सुबह 6 बजे से स्टार्ट करके और अभी तक हम तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर के इलाका जहाँ से वारदात हुई थी, वहां से 3.5 किलोमीटर का इलाका तकरीबन हम सर्च कर चुके हैं। अभी तक ऐसा कोई सुराग हमें मिला नहीं है यहाँ पे से बॉडी होने का या विक्टिम होने का। तो क्या मानते हैं गहराई उसको, जो पानी के बहाव को देखकर क्या लगता है आपको? तकरीबन अभी जो नहर का पानी है 15-16 फीट की डेप्थ है इसकी, और जिस हिसाब से आप करंट देख रहे हैं काफी तेज है पानी का। तो अगर कहीं जैसे अभी हम इस पुलिया के पास में सर्च कर रहे हैं, इसके बाद 500 मीटर आगे जो डाइवर्जन बने वहां भी हम सर्च करेंगे, इसमें अगर बॉडी कहीं स्टेक हो गए कहीं फंसे होने का चांस हो सकता है। अगर इस तरह से कहीं नहीं फंसी होगी तो इतने तेज पानी में बॉडी तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं, काफी दूर भी जा सकती है। तो कोशिश है कि जितना नजदीक में होगा उतना जल्दी हो पाएगा, पर अब जिस तरह की सिचुएशन है ये नहीं पता कह सकते कि कितनी दूर तक जा सकती है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार गिप्पी गरेवाल अपनी आने वाली फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 की सफलता के लिए श्री हरमिंदर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, जिसके चलते गिप्पी गरेवाल अपनी टीम के साथ देर रात हरी मंदिर साहिब में पहुंचे और वहां पर नतमस्तक होकर गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान गिप्पी गरेवाल और वीनू ढिल्लो दस्तार में नजर आए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक तलवार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जहाजगढ़ का दौरा किया और जहाजगढ़ के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और SCF मालिकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उन्हें जल्द से जल्द हल करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर SE प्रदीप जायसवाल के साथ एक्सिन विक्रम सिंह और जे जसपीर सिंह भी थे। इस मौके पर तलवार ने कहा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की सरकार है और हम जनता के हैं जो सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछली सरकारों की उपेक्षा के परिणाम स्वरूप जहाजगढ़ में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही DC और निगम कमिश्नर से मिलकर सभी मसले हल कर दिए जाएंगे ताकि कारोबार बढ़ सके। इस मौके पर विक्रमजीत विक्की मनदीप मोंगा रमन कुमार विश्व सहजपाल अविनाश जौली मनदीप सिंह भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज ट्रांसपोर्ट नगर वाले एसोसिएशन ने बुलाया सी, उन्होंने कैंट में इतने आया सी
एक होर एसोसीएशन के नाल होना ने भी बुलाया। इस तो बाद अगली मीटिंग लै रहे हैं जी, इधर स्क्रैप का काम कर रहे हैं कबाड़ एसोसीएशन के नाल ते क्रेन वाले दे नाल। अगली मीटिंग अगले हफ्ते हो जाएगी। अज मसला की कह, इत्थे ते मसले ही मसले हैगे है, कुछ है ही नहीं, साफ ही नहीं है। उत्थे ते हालत नहीं हैगी आ जिहड़ा इत्थे देख रहे जिथे तुसीं खड़े हो, पूरी अक्रोचमेंट हैगी है, अंदर तक कबाड़ पिया हैगा। जिहड़ा ट्रांसपोर्ट नगर दे जिहड़े मसले हैगे सी, ईवन बहुत कबाड़ जिहड़ा कबाड़ माड़ी झील दा ट्रांसपोर्ट नगर च पिया होया सर, उह ते नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। वो ट्रांसपोर्ट नगर है, ट्रांसपोर्ट परसों दिता होया, वो एक डील करके दिता होया, वो ट्रांसपोर्ट नगर है, उत्थे ट्रांसपोर्ट नगर ही रहेगा, इत्थे कबाड़ मार्केट है, कबाड़ मार्केट। एसोसीएशन वालों कई मुश्किल जीडिया दसियां गई, एसोसीएशन वालों एक कह रहे थे उपरों रेनी सीजन आ रहा है, सीवरेज नहीं है, कलैप्स है। और मैं जेई साहब नूं गल की एक्सन साहब नाल भी, और सुपर सकर इत्थे लगाया से लेकिन कम नहीं किया, मैनुअली वो करना कराना पेगा, वो बहुत जल्दी करावे। आ बारिशा च वादा है नाना नाल, दिक्कत नहीं असी आ दवांगे, दिक्कत नहीं आन दवांगे किसी भी रूप से। चेयरमैन साहब नूं बुलाउण दा साडा इहो ही मकसद सी, उन्हां नूं अहीं दसणा चाहुंदे सी कि ट्रांसपोर्ट नगर उन्होंने बना के दिता है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वालों बनया, इहदे विच सानूं कोई भी फैसिलिटी नहीं हैगी, जिहदे विच असी हाउस टैक्स भी दिंदे हां, पानी का बिल भी पे करते हैं, हर चीज़ दें। पर अज 18 तो 20 साल हो गया इतने ना कोई रोड का काम होया, ना कोई सफाई वाला आया, ना कोई कुछ होया। ये ट्रांसपोर्ट नगर में अज इन्हों दिता ही किन्ने साल हो चुके हैं, चेयरमैन भी बड़े बड़े आए, उन्होंने बुलाया, उन्होंने साड़िया सुनिया, किसी ने कोई माड़ा मोटा काम किया है, किसी ने नहीं किया, या किसी ने किया, उन्हें चेयरमैन साहब तो बड़े कॉन्फिडेंस सानू कह गए हैं। बाकी आने वाला समा दसेगा कि किन्ना काम होंदा या किन्ना नहीं होंदा। अमृतसर थाइया वाला बाजार में कारोबार करने के लिए पति पत्नी द्वारा एक होटल लीज पर लेकर चलाया जा रहा है, लेकिन पति पत्नी में अनबन होने के बाद दोनों में झगड़ा हो गया और पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगा दिए। इस दौरान होटल में काफी मारपीट भी हुई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस संबंध में पूजा अरोड़ा नामक महिला ने बताया कि उसने अपने पति के साथ भागीदारी कर होटल में हिस्सेदारी डाली थी, लेकिन उसके पति द्वारा ना तो उसे कोई पैसा दिया गया और ना ही वह घर समय पर आता था, जिसको लेकर अक्सर उनमें झगड़ा होता रहता था। जब वह मौके पर आई तो उसने देखा कि उसका पति होटल में बैठकर शराब का सेवन करता है। इस दौरान पति पत्नी में काफी बहस भी हुई और बेटे द्वारा अपने ही पिता के साथ मारपीट भी की गई। गौरतलब रहे कि पूजा अरोड़ा द्वारा दूसरा विवाह करवा लिया गया है और उसके पहले विवाह से दो बच्चे हैं। उनकी ओर से ही अपने सौतेले पिता के साथ मारपीट की गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम पूजा अरोड़ा है। मैं अपने हस्बैंड नूं पहले अपने भाई वाली होटल लैके दिता NC999। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਝਗੜਾ ਝੁਗੜਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, 2 ਲੱਖ ਲੋਨ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕੈਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਚਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈ, ਘਰ ਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦਿੰਦਾ ਵੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੋਟਲ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 420 ਖੇਡੀ, ਇਹਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਮ ਸੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਝੂਠਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਭਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਥੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਦੀ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਧੋਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਗੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹਾਂ ਮਨੋਂ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੂਫ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਰੇਡੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ASI ਥਾਣਾ ਹਕੀਮਾ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੋਟਲ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਛੱਡਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1,40,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ 80,000 ਰੁਪਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ 50-60,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਭਾਅ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਾ ਡੀਡਵੇਂ ਬੀਡਵੇਂ ਸੀਡਵੇਂ ਕਟਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡਮ ਪੂਜਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੋਟਲ ਨੋਵਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਟਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। जालंधर के एक निजी होटल में पंजाब खोखो के अध्यक्ष के चुनाव के लिए एसोसिएशन की तरफ से जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता PKKA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष S. हरजीत सिंह बराड़ ने की। एसोसिएशन में लंबे समय से अध्यक्ष पद पर रहे अशोक कुमार रॉनी के इस्तीफे के बाद लिए गए फैसले के मुताबिक सर्वसम्मति से गुरुदेव सिंह को प्रधान बनाया गया। इसके साथ ही हेमंत विशिष्ट को पंजाब का चेयरमैन और अशोक कुमार रोनी को पंजाब का चीफ पैटर्न बनाया गया। इस बैठक में सबसे पहले एसोसिएशन में जालंधर के सेक्रेटरी रहे शशि के शर्मा और होशियारपुर के संरक्षक रहे सरदारी लाल को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में खोखो एसोसिएशन पंजाब के ऑब्जर्वर संजीव शर्मा भी विशेष रूप से पहुंचे हुए थे। इसके बाद PKKA की विभिन्न इकाइयों के सभी उपस्थित सदस्यों ने भारतीय खोखो महासंघ के पर्यवेक्षक का स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुरुदेव सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि वह PKKA के लिए अपनी पूरी दिल से सेवाएं देंगे और पंजाब में खोखो के खिलाड़ियों के समर्थन और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस अवसर पर SS मोही, बलबीर सिंह, प्रताप सिंह, जगदीश सिंह, अमरजीत सिंह, गुरदीप सिंह सहित एसोसिएशन के सभी सदस्य शामिल रहे। आज मिति 24/6/23 ਪੰਜਾਬ ਖੋਖੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਭਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖੋਖੋ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖੋ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 100% ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ
ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਜੀਵ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋ ਖੋ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਬਣ ਗਈ ਆ ਔਰ ਜੋਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕੇ 116ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਭੋਗ ਡਾਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਮਨ ਲਾਲ ਔਰ DGM ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭੀ ਸਟਾਫ ਸਦੱਸਿਓਂ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਕੇ 116ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਪਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ 1908 ਕੋ ਹੋਈ ਥੀ ਜਿਸ ਕੋ ਲੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਗਏ ਥੇ ਜਿਨਕਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਡਾਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਮੇਂ ਉਨਕੀ ਓਰ ਸੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਵੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਸਰ 1908 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਟੈਗਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਵੇਅਰ ਕਸਟਮਰ ਵੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਤਟਵਾਸਿਨੀ ਪਰ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵਮੁਖੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਲਿਨੀ ਧਾਮ ਮੇਂ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਲਿਨੀ ਚਾਲੀਸਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਐਨ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਬਿੰਨੀ ਸਾਂਵਰੀਆ ਐਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਭਜਨੋਂ ਕੋ ਗਾਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਮਾਂ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਝੂਮਨੇ ਪਰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ। ਵਹੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਚੌਕੀ ਮੇਂ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਬਲਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿਜ ਵਰਿਸ਼ਠ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤ ਗੁਪਤਾ ਕੋਸ਼ਾਧਿਕਸ਼ ਪਵਿੰਦਰ ਬਹਿਲ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਮਾਥਾ ਟੇਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਅਰੁਣ ਵਰਮਾ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਪਵਨ ਮਹਿਤਾ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੋਹਲੀ ਅਰਜੁਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਮਨ ਮਹਿਤਾ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਭਗਤਜਨ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੀ ਕਰ ਵੇਖਦਾਰ ਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਭਵਨ ਸਜਾਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਸਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਸਾਇਆ ਜੀ ਕਰ ਵੇਖਦਾਰ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਜਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਜਾਇਆ ਜੀ ਕਰ ਵੇਖਦਾਰ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ
सुनाया जी करे बेदारवा कितना जोड़ा तेरा पवन सदा कितना जोड़ा तेरा पवन सदा। हिंदू एकता मंच पंजाब की ओर से वार्षिक लंगर का आयोजन लाजपत नगर जालंधर में किया गया, जिसमें ठंडे मीठे जल की छबील और आलू पूरी का लंगर लगाया गया। इस लंगर में विकास जनरल स्टोर ने अपना विशेष योगदान दिया, तो वहीं राहगीरों ने इस लंगर का खूब आनंद उठाया। इस मौके पर अशोक शर्मा, मुनीश, रिक्की, राकेश, पुनीत, आशीष, अरविंद, राहुल, अजय, अशोकी, रोहन ने भी अपना विशेष सहयोग दिया। जालंधर से हलचल के लिए जतेंद्र की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस बार भी हिंदू एकता मंच ते सारे दे अपने भरावां दे सहयोग नाल लाजपत नगर विच ठंडे मिठे जल दी ते पूरियां दी ते चने ता सब्जी दी लंगर दी सेवा कीती जा रही है, जिस विच साढ़े सारे भरा साढ़े भैणां नाल हाजिर है। तो इदां ही हर साल आपां इदां लांदे रहिए और माता राणी की कृपा साढ़े ते बनी रहे। जय श्री राम, जय माता दी, सत श्री अकाल। जय माता दी। असी ये लंगर मतलब गर्मी करके हर साल 24 जून में लाई दा वा शरबत ठंडे मिठे जल की छबील लाई दी आ, बच्चे अपने सहयोग नाल सारे रल के लाते आ। जय माता दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर के थाना सदर की पुलिस ने लूटपाट करने वाले 3 सदस्यों को किया काबू, 2 मोबाइल किए बरामद। कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने शहीदी स्मारक हुसैनीवाला में शहीदों को पुष्पांजलि की अर्पित। संगरूर के खनोरी इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में हुए लापता महिलाओं को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी, विधायक वीरेंद्र कुमार गोयल पीड़ित परिवार से मिले। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।